गाइस, कैसे हो सब लोग? आई होप सब लोग ठीक ही रहेंगे. ओके, तो लास्ट सेशन में हमने देखा कि इंडेक्स को कैसे यूज़ करने का. ओके, तो आई होप आपको समझ में आया होगा सब कुछ. देन नेक्स्ट, और आज से हम देखने वाले कि फॉर्म हम कैसे यूज़ कर सकते हैं रिएक्ट में. ओके, और मुझे कमेंट भी आया था कि फॉर्म के ऊपर एक वीडियो बनाओ कि हम फॉर्म रिएक्ट में कैसे यूज़ करेंगे, वैल्यूज़ वगैरह कैसे लेंगे. तो अभी वही चालू होने वाला है. ओके, तो यहाँ तक पूरा कंप्लीट हुआ है, ये सब कुछ बेसिक हुआ है. तो प्लीज़ आप एक बार जाके फिर से रिवाइज़ करो पूरा, मतलब इजी होगा आपको. और एक बार आप रिमाइंड करेंगे ना तो सब कुछ समझ में आएगा. ओके, तो हम वो आज देखेंगे फॉर्म को हम कैसे यूज़ करते हैं. ओके, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, अभी नया ही कंपोनेंट बनाएंगे जिसका हम नाम देते हैं फॉर्म करके. ओके, तो यहाँ पे मैं दे रही हूँ फॉर्म डॉट जे एस. ओके, तो फॉर एग्जाम्पल समझो कि आप HTML में बना रहे हो. बेसिक HTML यूज़ करके हम जब कौन सा ही फॉर्म बनाते हैं तो हम डायरेक्टली इनपुट इनपुट फील्ड यूज़ करके हम फॉर्म बनाते हैं. ओके, लेकिन रिएक्ट में थोड़ा डिफरेंट रहता है, वो हम कैसे आज देखने वाले हैं. ओके, तो मैंने एक फॉर्म करके कंपोनेंट लिया है. फिर यहाँ पे मैं क्या करती हूँ, हम फंक्शनल कंपोनेंट ही यूज़ करेंगे. RFC करके मैं यहाँ पे फंक्शनल कंपोनेंट इसका बना रही हूँ. ओके ओके, तो ये और एक बार मैं ट्राई करती हूँ, यहाँ पे नहीं आया अभी वो RFCE, राइट? व्हाटएवर, एक एक बार होता है वैसे. अभी आएगा, ऐसे आना चाहिए ड्रॉप डाउन, तभी वो देता है अपने आप, नहीं तो हमको पूरा टाइप करना पड़ेगा. ओके, तो यहाँ पे हमने क्या किया कि हमारा जो फॉर्म से उसको हमने बनाया. ओके, तो अब हम नॉर्मली देखेंगे कि रन हो रहा है कि नहीं. तो यहाँ पे मैं नॉर्मली लिखती हूँ, लाइक ओनली फॉर्म करके लिखती हूँ. ओके, तो देखेंगे. और इसको मुझे ऐप डॉट जे एस में भी इंक्लूड करना पड़ेगा, डिक्लेयर करना पड़ेगा, तभी वो रन होगा. तो मैं इसको क्या करती हूँ, अभी के लिए कमेंट करती हूँ और यहाँ पे मैं फॉर्म को इम्पोर्ट करके लेती हूँ. ओके, तो एरो मार्क FORM. ओके, तो यहाँ पे इंपोर्ट हो गया ऊपर भी, और यहाँ पे हम क्लोज करेंगे इस कंपोनेंट को. हमने यहाँ पे इंपोर्ट करके लिया, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे भी हमारा फॉर्म इंपोर्ट हो चुका है. आप भी ऐसे इंपोर्ट करो. ओके, तो अब हम जाएंगे डायरेक्टली फॉर्म में. तो इसको मैं प्रोडक्ट वगैरह है ना, उसको मैं डिलीट करके छोड़ती हूँ, अभी कुछ ज़रूरत नहीं है उसकी. ओके, तो हम देखेंगे यहाँ पे रन हो रहा है कि नहीं. तो यहाँ पे देख सकते हैं कि हमको फॉर्म मिला है. ओके, तो करेक्ट रन हो रहा है. अब हम क्या करेंगे कि हम एक इनपुट फील्ड बनाएंगे, और एक इनपुट फील्ड ही मैं आज बोलूँगी कि वो कैसे वर्क होता है, वहाँ पे कैसे चेंज होता है, क्या होता है, वो आज हम एक देखेंगे. ओके, तो अब हम यहाँ के मैं यहाँ पे क्या करती हूँ, एक इनपुट फील्ड देती हूँ. ओके, इनपुट सेम हम HTML में कैसे यूज़ करते हैं ना, सेम हमको यहाँ पर लेना है. टाइप हम लेते हैं टेक्स्ट करके, टाइप टेक्स्ट है, और यहाँ पे हम लेते हैं वैल्यू. वैल्यू रहेगा हमारा नेम. ओके, उसको लेती हूँ मैं ब्रैकेट में. ओके, तो यहाँ पे हमने वैल्यू दिया है. हमको क्लोज भी करना पड़ेगा इसको, राइट, इसलिए एरर दिखा रही है कि क्लोज नहीं हुआ है करके. ओके, तो यहाँ पे देख सकते हैं हमने एक नॉर्मल इनपुट फील्ड बनाया है, जहाँ पे नेम वैल्यू नेम है हमारा, यहाँ पे टेक्स्ट है. ओके, तो अब हम यहाँ पे देखेंगे कि इनपुट हमारा क्रिएट हुआ है कि नहीं. तो यहाँ पे देख रहा है कि एन अनएक्सेप्टेड यूज़ ऑफ नेम. ओके, इंस्पेक्ट. ओके, इंस्पेक्ट करके देखेंगे, क्योंकि वहाँ पे मुझे ना इंस्पेक्ट करने के बाद ही वहाँ पे पूरे एरर समझ में आते, इजीली समझ में आते, इसलिए कभी भी आप कोडिंग करते ना तक इंस्पेक्ट यूज़ करना मत भूलो. ओके, तो यहाँ पे नेम, यहाँ पे मैंने जो नेम यूज़ कर रहा किया है ना, उसको बोल रहा है कि क्या बोल रहा है, दैट इज़ अनएक्सेप्टेड यूज़ ऑफ नेम. ओके, तो अब मैं बोलती हूँ, वो मैं बोलूँगी कि क्यों ऐसे एरर आया. ओके, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि हमने एक इनपुट फील्ड लिया है, यहाँ पे टाइप मेरा टेक्स्ट है और यहाँ पे वैल्यू नेम है. इन नेम मतलब क्या, यहाँ पे हम जो कुछ वैल्यू देते हैं वो वैल्यू को हम असाइन होते हैं, इस वैल्यू नेम जो है ना वो वैल्यू को असाइन होता है. और इन नेम इज़ नथिंग बट इट विल वर्क एज प्रॉप्स करके वर्क होता है. ओके, तो यहाँ पे वो दिखाता है, एक्चुअली अभी नहीं दिखाना है, इट्स लाइक अ प्रॉप. ओके, नेम इज़ नथिंग बट हम, क्योंकि हम यहाँ पे डायनामिक वैल्यू लेने वाले हैं और यहाँ पे असाइन करने वाले हैं, तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ता है, यहाँ पे एक हमको फंक्शन लेना पड़ता है, दैट इज़ ऑन चेंज हैंडलर करके. ओके, तो उसको हम लेते हैं यहाँ पे ऑन चेंज ऑन चेंज लेते हैं हम यहाँ पे. यहाँ पे हम जो कुछ हम चेंज करते हैं ना, तो यहाँ से ही वर्क ऑपरेट होता है. ओके, तो यहाँ पे मैंने ऑन चेंज करके फंक्शन लिया. ओके, मतलब एक फंक्शन लिया है यहाँ पे, हैंडलर लिया है समझो. अभी समझो यहाँ पे अब गए तो अभी भी हमको एरर ही आएगा. ओके,
यहाँ पे देख सकते हैं अभी भी हमको एरर ही आ रहे हैं। और यहाँ पे रीड करो आप, यहाँ पे देख सकते हैं आप, वार्निंग यू प्रोवाइडेड अ वैल्यू प्रॉप्स, वैल्यू इज नथिंग बट एज अ प्रॉप्स ओके फॉर्म फील्ड विदाउट एन ऑन चेंज हैंडलर। हमने ऑन चेंज नहीं यूज़ किए बिना उसको प्रोवाइड किया ओके, लेकिन अब हमने ऑन चेंज यूज़ किया है लेकिन उसका फंक्शन नहीं बनाया अभी तक, इसलिए अभी भी वो यहाँ पे हमको एरर दिखा रहा है ओके, क्योंकि यहाँ पे ऑन चेंज हमारा एम्प्टी है जो हमको एम्प्टी नहीं रखना है। अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पे ऑन चेंज में हम एक फंक्शन का नाम देते हैं, अभी इसको हम हैंडल कर रहे हैं राइट, तो उसके रिलेटेड हम क्या करेंगे, हैंडल चेंज के, हैंडल चेंज करके हम इसको एक फंक्शन बनाए। अभी हैंडल चेंज कैसे होता है वो हम यहाँ पे देख सकते हैं। तो अभी क्या करना पड़ेगा, हमको इसके रिलेटेड फंक्शन बनाना पड़ेगा तभी वो वर्क होगा ओके। और एक बात, यहाँ पे हमको यू स्टेट यूज़ करना पड़ेगा क्योंकि यू स्टेट के ऊपर है ये सब कुछ है, इसलिए मैं क्या करती हूँ पहले यू स्टेट यहाँ पे इसको लेती हूँ ओके। तो रिएक्ट इंपोर्ट करके लेना पड़ेगा, तो मैं इसको ले रही हूँ रिएक्ट यू स्टेट करके, और यहाँ पे हम एक स्टेट बनाएंगे हमारा ओके। तो मैं बना रही हूँ कॉन्स्ट ओके, तो यहाँ पे आप यहाँ पे देख सकते हैं मैंने कॉन्स्ट दिया है, फिर हम यहाँ पे सेट डिफाइन करेंगे ओके। तो मैं यहाँ पे ब्रैकेट में ले रही हूँ नेम कॉमा सेट नेम, इसको ऑलरेडी मैंने बोला है कि स्टेट यू स्टेट हम कैसे यूज़ करते हैं उसका, वो कैसे वर्कअप होता है, फिर भी मैं यहाँ पे थोड़ा थोड़ा बोलती हूँ ओके। यूज यस यू स्टेट ओके, तो यहाँ पे ब्रैकेट में हम क्या देंगे, एम्प्टी लेते हैं, इनिशियली हम क्या लेते हैं उसको एम्प्टी लेते हैं ओके। तो हमने यहाँ पे यू स्टेट डिक्लेयर किया ओके, तो अब हम देखेंगे कि हमको क्या आ रहा है आंसर ओके। तो यहाँ पे बोल रहा है कि हैंडल चेंज इज़ नॉट डिफाइंड ओके, तो उसका भी हम देखेंगे हैंडल चेंज का क्या हो रहा है ओके। तो यहाँ पे हमने देख सकते हैं कि हैंडल चेंज हमने फंक्शन यहाँ पे लिखा है लेकिन यहाँ पे नहीं लिया है ओके। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे फंक्शन लिखते हैं उसका, तो यहाँ पे लिख रहे हैं हम हैंडल चेंज 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 ओके, हैंडल चेंज हमारा हुआ। और हम यहाँ पे लेने वाले एरो फंक्शन, क्योंकि एरो फंक्शन लिए तो क्या होता है राइट, प्रैक्टिस हो जाती है, इसलिए मैं भी सोच रही हूँ कि हम एरो फंक्शन ही लेते हैं ओके। सो ये हो गया और दिस इज़ डन ओके। तो यहाँ पे हमने हैंडल चेंज लिए, अब देखेंगे क्या आता है। अभी बोल रहा है कि हैंडल चेंज इज़ नॉट डिफाइंड बिकॉज यहाँ पे मैंने कॉन्स्ट नहीं लिया है, तो वेरिएबल है ना वो तो डिफाइन तो करना पड़ेगा। तो अब हमारा एरर जा चुका है राइट, अब हमारा एरर जा चुका है और इनपुट फील्ड क्यों नहीं दिखा रहा है ओके। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारा इनपुट फील्ड है। अब समझो मैं यहाँ पे गई और यहाँ पे मैं कुछ भी टाइप कर रही हूँ यहाँ पे भी, लेकिन कुछ भी नहीं आ रहा है। अब यहाँ पे एक मिनट में इंस्पेक्ट करके दिखाती हूँ, अभी इंस्पेक्ट में को तो नहीं दिखाएगा वो। अब मैं यहाँ पे लिख रही हूँ कुछ भी लेकिन यहाँ पे मुझे ना कुछ भी नहीं मिल रहा है ओके। तो क्यों नहीं हो रहा है वो हम देखेंगे अभी। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि हैंडल चेंज हमने फंक्शन यहाँ पे कॉल किया है ओके। तो यहाँ पे जो कुछ हम मतलब इस इनपुट फील्ड में जो कुछ लिखते हैं ना, दिस विल गो एज इवेंट इवेंट हैंडलर और इवेंट वी कैन से, यहाँ पे इवेंट करके जाता है और कहाँ पे जाता है, वो हैंडल चेंज फंक्शन में यहाँ पे जाता है। और यहाँ पे हम जो कुछ भी लिखते हैं ना वो यहाँ पे डिस्प्ले होते रहता है, मतलब चेंज चेंज मीन्स हम टाइप करें कीबोर्ड से टाइप करें कि यहाँ पे हम कुछ तो चेंज कर रहे हैं, तो वो चेंज के लिए हम हैंडल चेंज इवेंट यूज़ करते हैं ओके। तो चेंज हो जो कुछ भी चेंज होगा वो वहाँ पर यहाँ पे आ गया आ जाएगा ओके। अब मैं यहाँ पे इनिशियली कुछ तो लेती हूँ हेलो करके, मतलब ये कहाँ पे आएगा, हमारे इनपुट फील्ड में आएगा। मैं दिखाती हूँ आपको, डिफॉल्ट यहाँ पे देख सकते हैं कि डिफॉल्ट मुझे मिल रहा है, मैं यहाँ पे टाइप कर लेकिन कुछ भी टाइप नहीं हो रहा है क्योंकि हैंडल चेंज फंक्शन हमने लिखा नहीं। तो यही मैं ऑलरेडी आपको बोल रही कि डिफॉल्ट मतलब क्या, नेम की वैल्यू जो है ना वो हेलो या डिफॉल्ट यहाँ पे सेव होती है, मतलब नेम डिफॉल्ट इज़ नथिंग बट हेलो। तो इनिशियली मैंने अभी डिफॉल्ट दिया है यहाँ पे, अभी रहने दो वैसे मैं दिखाती हूँ आपको। अब यहाँ पे हैंडल चेंज है तो यहाँ पे इवेंट करके वो जाता है यहाँ पे, फिर यहाँ पे आता है ओके। तो अभी मैं अभी यहाँ पे दिखा रही हूँ कि यहाँ पे कुछ भी चेंज नहीं हो रहा है राइट। तो अब मैं यहाँ पे लिखती हूँ तो आप देख सकते हैं कि अब कैसे चेंज होता है ओके। तो हम नेम है तो क्या करना है, हमको सेट नेम करना है उसको, कहाँ पे तो देना है सेट नेम में देना है। तो यहाँ पे दे रही हूँ मैं और ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू ओके, ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू ऐसे दिया है हमने। अब यहाँ पे मैं जो कुछ चेंज करूँगी वो यहाँ पे ई में आएगा और यहाँ पे सेट नेम में डिस्प्ले होगा। सेट नेम मतलब क्या है, नेम पे डिस्प्ले होगा, नेम मतलब क्या है, वैल्यू में डिस्प्ले हो जाएगा। तो अब हम देखेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे देख सकते हैं अभी मैं यहाँ पे टाइप करूँ तो यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पे मैं इजीली टाइप कर रही हूँ, लेकिन पहले मुझे टाइप करने को भी नहीं मिल रहा था। अभी जो इनिशियल स्टेट था उसको मैं निकाल सकती हूँ, अभी मैं यहाँ पे रन की तो भी इनिशियल स्टेट मुझे हेलो ही मिलेगा क्योंकि हमने वहाँ पे हेलो इनिशियल डिक्लेयर किया है, तो इसलिए हम उसको क्या रखते हैं कि एम्प्टी लगते हैं इनिशियली। तो यहाँ पे देख सकते हैं हेलो है, तो मैं क्या करूँगी उसको एम्प्टी रखूँगी
तो हमने यहाँ पे एम्प्टी रखा है ओके। तो अब ये क्या होगा कि हेलो जाएगा और हमको यहाँ पे एम्प्टी मिल जाएगा। अब मैं यहाँ पे कुछ भी टाइप कर सकती हूँ। अब मैं टाइप कर रही हूँ ना, वो मैं कंसोल में देखेंगे, मतलब वो पूरा दिखेगा, वो ऐसे नहीं कि वो ये दिखेगा करके, कंसोल उसका पूरा फंक्शन ही दिखेगा हमको वहाँ पे, कंसोल डॉट लॉग ई ओके। तो अब हम देखेंगे, मैं यहाँ पे टाइप करते हैं, यहाँ पे हमको देख सकते हैं, यहाँ पे सिंथेटिक बेस इवेंट, मतलब इस इवेंट में ना हम जो अभी हैंडल चेंज इवेंट यूज़ कर रहे हैं, टारगेट यूज़ कर रहे हैं ना, वो यहाँ पे हमको सब कुछ मिलेगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे बहुत सारे इवेंट्स हैं, मिशन इवेंट हैंडलर है, टारगेट है इनपुट को हम हैंडल करने के लिए। तो यहाँ पे बहुत ही, यहाँ पे हम हैंडल चेंज उतना ही यूज़ कर रहे हैं, ऑन चेंज फंक्शन हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं ओके चेंज करने के लिए। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि यहाँ पे ऑन चेंज इज नथिंग, बट यहाँ पे हम जो फंक्शन लिखते हैं तो वहाँ पे आता है, यहाँ पे जो कुछ चेंज होता है वो नेम सेट होता है, लाइक सेट नेम इज नथिंग बट इसमें सेट हो जाएगा वो वेरिएबल में, और वैल्यू हम यहाँ पे दे रहे हैं, मतलब डायनेमिकली हम यहाँ पे वैल्यू ले रहे हैं, ऐसे समझो। तो आई होप मैंने यहाँ सब कुछ क्लियर बोला है कि ये कैसे वर्क हो रहा है। एक ही अभी अभी के लिए मैं एक ही इनपुट फील्ड का बोल रही हूँ, बाद में हम देखेंगे कि दो इनपुट फील्ड लेके उसको सबमिट कर कैसे कर सकते हैं हम ओके। तो यहाँ पे मैं टाइप कर रही हूँ, टाइप हो रहा है, तो कंसोल की कुछ ज़रूरत नहीं, तो उसको हम निकाल के छोड़ेंगे अभी। तो वहाँ पे टाइप हो रहा है, इसलिए समझो आपको कुछ भी चेंज करना है इनपुट में तो हैंडल चेंज हमको लिखना ही पड़ेगा, तभी वहाँ पे चेंज होगा, नहीं तो चेंज नहीं होगा आपके। ऑलरेडी मैंने दिखा है यहाँ पे, मैं और एक बार दिखाती हूँ आपको, कमेंट कर रही हूँ मैं यहाँ पे, और मैं यहाँ पे जाऊँगी अभी, रन करूँगी, एम्प्टी है यहाँ पे, मैं अभी टाइप करने के लिए ट्राई करती हूँ। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे कुछ भी टाइप नहीं हो रहा है, मैं टाइप कर रही हूँ लेकिन यहाँ पे कुछ भी नहीं आ रहा, क्योंकि हमने फंक्शन को कमेंट किया, इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है ओके। तो आई होप मैंने सब कुछ क्लियर किया है इसके बारे में। यू स्टेट तो मैंने ऑलरेडी बोला है, तो आप पहले जाके वो भी वीडियो देखो, और यहाँ पे भी मैंने बोला है, वहाँ पे भी देखने के बाद यहाँ पे देखने के बाद आपको इजीली समझ में आ जाएगा ओके। तो वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलो ओके, एंड कीप सपोर्टिंग, थैंक यू सो मच एवरीवन। और एक बात, हमारा ऑलरेडी रिएक्टर्स का ट्यूटोरियल है पूरा, और इस वीडियो के ऊपर आपको एक आई बटन मिलेगा, वहाँ पे भी उसका लिंक मिलेगा, और नहीं तो एंड को भी उसको आपका ट्यूटोरियल का लिंक मिल जाएगा ओके। तो आप वहाँ पे जाके विजिट करो, पूरा वीडियो देखो, एंड कीप सपोर्टिंग, थैंक यू सो मच एवरीवन।